कितने अच्छी तरीके से सोच पाते हैं, और जो आज चल रहा है जो गलत हो रहा है उस गलत के खिलाफ हम सोच के कितनी अच्छी तरीके से आवाज उठा सकते हैं, जिसके कारण नुकसान ना हो। जनबल का मतलब तो समझते हैं लोग, जनता। बाहुबल का मतलब समझते हैं शरीर की ताकत, माइंड की ताकत। कितनी ताकतें जो है जिसके पास आ जाती है वो देश के देश का विदेश भी सुधार सकता है। अब हमें सोचना यह है कि चार ताकतें किन लोगों के पास होती है। जनबल, जनता की ताकत, ठीक है। तीसरी व्यवस्था की जरूरत होती है बाहुबल, बाजुओं की ताकत। आप लोग कितनी ताकत है, बड़ा के देश है ना, लोकतांत्रिक देश है ये, किसी एक धर्म विशेष का देश नहीं है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति की अपनी एक आस्था है जो जुड़ी हुई है, वो किसी गुरु से जुड़ी हुई है, किसी ईश्वर से जुड़ी हुई है, किसी खुदा से जुड़ी हुई है, तो ये समझना पड़ेगा। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस तरीके के आदेश दे रहा है, पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था गुरु रैदास घर तुगलकाबाद को तोड़ने का, ठीक, उसके बाद क्या हुआ पूरा देश जानता है। और अगर उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट इन चीज़ों को लगातार अप्लाई कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें केंद्र सरकार का बड़ा हाथ लगता है। अभी जैसे आपने अयोध्या का मामला देखा 1992 में, कितना बड़ा तांडव इन लोगों ने किया धर्म के नाम पर, और आज उसको बनाया, यानी कि 20-30 साल राजनीति सेट रखी करके। और मुझे ये लगता है कि अब ये जो निर्णय आया है ये भी अगले 20-30 साल की कहीं ना कहीं बीजेपी की राजनीति को सेट करने का एक प्लान है। ख़ास तौर से अगर देश में मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे अगर देखे जाएँ तो ये अधिकतर जो है बंजर ज़मीन पर ही हैं। कल तो ये कह देंगे कल की सड़कें खोद दी जाएँ, सारी सड़क सारी टोटल बंजर जमीन पर है। तो क्या ये जो मानव मनुष्यों से के विपरीत जो जिस प्रकार के निर्णय दिए जा रहे हैं ये गलत है। और मैं बता दूं सरकार को साफ साफ कि गुरु रैदास जी को मानने वालों की संख्या भारत में ही नहीं विदेशों में भी बहुत अनलिमिटेड है, ठीक। तो आस्था के साथ खिलवाड़ किसी कीमत पर किया नहीं जाएगा। अगर वो चाहते हैं कि उत्तराखंड को बंद कर दिया जाए या उत्तराखंड की व्यवस्था न चलनी चाहिए, तो सरकार के हाथ में हम तैयार हैं, बीमार में तैयार है, यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष, यहाँ की पूरी टीम तैयार है। और अगर प्रदेश अध्यक्ष ये आह्वान करते हैं पूरे देश से कि पूरे देश के बीमार में कार्यकर्ता उत्तराखंड पहुँचे, तो उत्तराखंड सरकार कमर कस ले, हम लोग तैयार आने के लिए। लेकिन ये जो गलत करते कर रही है सरकार, इसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बात है, आपने बहुत अच्छा सवाल मुझसे किया है, क्योंकि जिला हरिद्वार के अंदर लगभग 6.5 लाख गुरु रविदास जी के अनुयायी रहते हैं, तो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी में आस्था रखने वाले लोगों को ये बहुत बड़ी ठेस पहुंची है, जिस प्रकार से मंदिर प्रकरण यहाँ पर हुआ है, मंदिर को तोड़ने की साजिश जो रची जा रही है। सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हैं राज्य सरकार जो है, जितने भी मंदिर हैं आज भगवान महर्षि वाल्मीकि जी का मंदिर जो है ध्वस्त करने का काम लक्सर के अंदर किया गया है, तो हम सरकार को बता देना चाहते हैं, शासन प्रशासन को चेता देना चाहते हैं कि किसी भी प्रकार से किसी भी मंदिर के साथ में छेड़खानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और रही सुप्रीम कोर्ट की बात, सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल सरकार के अधीन काम कर रहा है, सरकार के इशारों पर काम कर रहा है, तो हम ऐसे जजमेंट को बिल्कुल भी नहीं मानते हैं, क्योंकि इसमें सरकार में बैठे लोग जो आज दलित हितैषी बन रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जो मंदिर प्रकरण में भी 4-4 विधायक वहां पर जाकर पहुंचे हैं, जिन्होंने भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाने का काम किया और भाजपा को दलित हितैषी बताने का काम किया, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा की वर्तमान में सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, तो इसमें कहीं ना कहीं विधानसभा में, राज्यसभा में और पार्लियामेंट में इसकी आवाज़ उठनी चाहिए, इसकी आवाज़ को उठाकर इसमें अध्यादेश लाना चाहिए, ताकि देश के अंदर चाहे वो किसी भी धर्म समुदाय से जुड़ा मंदिर हो, किसी भी धर्म समुदाय के व्यक्ति की आस्था को ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए, क्योंकि वो उस मंदिर में, उस अपने संत में आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो उनके विश्वास को किसी भी प्रकार से ना तोड़ा जाए, अन्यथा भीम आर्मी और सामाजिक संगठन जितने भी हरिद्वार जिले के अंदर चलाए जा रहे हैं और समस्त भारत में भीम आर्मी के जितने भी कार्यकर्ता हैं सबको बुलाकर यहाँ जिले के अंदर जिस प्रकार से दिल्ली तुगलकाबाद के अंदर बहुत बड़ा आंदोलन किया गया था, उस प्रकार से ठीक उसी प्रकार से यहाँ हरिद्वार के अंदर दूसरा तुगलकाबाद दोहराने का काम हम काम करेंगे। पहले से ये, आज से नहीं है, ये बहुत पहले से दलित समाज के जितने भी नेता हैं जो खाली राजनीति के लिए लोगों के बीच में जाते हैं, 5 साल में एक बार लोगों के बीच में जाते हैं, उनकी वोट का गलत इस्तेमाल करके यहाँ से सेलेक्ट होकर चले जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी पूछ पड़ताल नहीं करते हैं। ऐसे एक क्षेत्रीय नेता हैं झबरेड़ा विधानसभा के, मैं बोल ही देता हूँ, वो व्यक्ति वहाँ पर जाते हैं, सम्मानित व्यक्ति हैं, गणमान्य व्यक्ति हैं, विधायक हैं, उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जिस प्रकार से वो मंदिर प्रकरण में जाते हैं और वहाँ उग्र भीड़ जो है वो भाजपा मुर्दाबाद के नारे लगाती है,
जाती है, तो वो विधायक एक अकेले विधायक जनता के बीच में खड़े होकर दलित समाज की बात ना करते हैं, गुरु महाराज के मंदिर की बात ना करते, भाजपा जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, तो मैं ऐसे नेताओं को दलित हितैषी नहीं मानता हूँ। क्योंकि कोई भी पार्टी, कोई भी संगठन या कोई भी नेता समाज से होता है और समाज ही ये तय करता है कि उनका किस प्रकार का नेता होगा या वो किस प्रकार की पार्टी के साथ जाएंगे। तो कोई भी संगठन बड़ा नहीं होता, कोई भी पार्टी बड़ी नहीं होती, अगर कोई बड़ा होता है तो समाज होता है, समाज से ही सब कुछ है। तो सबसे पहले हमारे समाज के समर्थन में खड़ा होना चाहिए, सबसे पहले हमारे महापुरुषों का मान सम्मान जो कम किया जा रहा है उस मान सम्मान को बढ़ाने के लिए खड़ा होना चाहिए।